ग्रे कलर के धब्बे होते हैं। ग्रे कलर के या कुछ भी फंगस जैसा, हमारी जो फिल्म रहती है फंगस जैसा दिखाई देना, हमारी जो ब्लू फिल्म रहती है ना, जो एक्सपोज की हुई होती है या अनएक्सपोज में भी हो जाती है कभी कभी। मैंने बताया था कि अगर हमारी जो फिल्म होती है एक्सपायरी अगर उसकी निकल जाती है, क्या होता है एक्सपोज करने की फिल्म जो आती है उसकी भी एक डेट होती है ना, डेट अगर एक्सपायरी हो जाती है तो उसमें भी फाग आ जाते हैं। ठीक है, अगर उसकी उम्र कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है तो उसमें फाग पैदा हो जाते हैं, या प्रकाश लग जाता है तो भी उसमें फाग पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम फाग बोलते हैं। फाग कई प्रकार के होते हैं है ना, जैसे फंगस, फंगस को भी हम फाग बोलते हैं। फंगस जैसे सपोज कभी ऐसा होता है कि कोई चीज बहुत दिनों तक रखी रहती है तो उसमें व्हाइट व्हाइट व्हाइटनेस आ जाती है, उसको फाग बोलते हैं। ठीक है, हमारी फिल्म में फाग कैसा हमेशा ग्रे कलर का देखिए, क्योंकि जो एक्सरे एक्सपोज करते हैं हम तो उसकी जो रिप्स वगैरह रहती है वो भी कैसे ग्रे कलर की दिखती है ना, तो धब्बे धब्बे जैसे जो दिखते हैं उसको हम फाग बोलते हैं। ठीक है, फाग में लिखना, नोट करना। एक्सपोज्ड फिल्म को, ठीक है, जो एक्सपोज नहीं किए हुए हैं, ठीक है, यह अनएक्सपोज फिल्म को डेवलप करने पर आने वाली अनैच्छिक डेंसिटी है। अनैच्छिक डेंसिटी जिसको हम अपनी इच्छा से नहीं, वो बिना इच्छा के अपने आप आ जाती है। ठीक है, वही वो बोल रहा है कि यह अनएक्सपोज फिल्म को डेवलप करने पर आने वाली अनैच्छिक डेंसिटी है। यह प्रत्येक का आंतरिक गुण है। फिल्म में हर फिल्म का आंतरिक गुण होता है कि उसमें बिना ही अपनी इच्छा व्यक्त किए, जैसे कि हम फैक्टर लगाते हैं, फैक्टर हम अपनी इच्छा से सेट करते हैं, पेशेंट को हम अपनी इच्छा से सेट करते हैं, प्लस उसमें पोजीशन भी है वो हम अपनी इच्छा से सेट करते हैं। ठीक है, लेकिन फागो को हम सेट नहीं करते, वो बिना अपनी इच्छाओं के वो अपने आप उसमें प्रदर्शित हो जाते हैं। ठीक है, वही वो बोल रहा है कि ये प्रत्येक फिल्म का जो है गुण होता है, आंतरिक गुण होता है। ठीक है, कि वे डेवलप किए जाने पर, कि वे डेवलप किए जाने पर कुछ फाग पैदा करते हैं। ठीक है, हो गया। यदि फाग बहुत अधिक होते हैं, यदि फाग बहुत अधिक होते हैं तो फिल्म में फाग यदि फाग बहुत अधिक होते हैं तो फिल्म में फाग नहीं लिखना, कंट्रास्ट लिखना, कंट्रास्ट, फिल्म में कंट्रास्ट कम हो जाएगा तथा फिल्म के कम डेंसिटी वाले भाग से मिल जाएगा। कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट फिल्म का वह पार्ट होता है जिसको रिप्स वगैरह रहती है वो उभर के दिखाने का काम कौन करता है? कंट्रास्ट। ठीक है, तो कंट्रास्ट जो है, फाग अगर बहुत अधिक हो जाता है तो फाग जो है अपने आप कम होने लगता है फिल्म में, और वो जाके डेंसिटी से मिल जाता है। डेंसिटी कौन? फिल्म, फिल्म से मिल जाता है, तो वो हमको समझ में नहीं आता कि इसमें कंट्रास्ट है कि फाग है। ठीक है, क्योंकि वो डेंसिटी से मिल जाएगा तो ना हमको फाग अच्छे से दिखेगा ना हमको कंट्रास्ट अच्छे से दिखेगा। ठीक है, हो गया नोट। कंट्रास्ट में कम हो जाएगा तो फिल्म में, फिल्म के कम डेंसिटी वाले भाग में मिल जाएगा, अतः
कम डेंसिटी वाले भाग में डिटेल समाप्त हो जाएगी, फिल्म की डिटेल, ठीक है, कि टेक्सचर है कि क्या है, हमको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। अब लिखना फॉग के कारण, फॉग किन कारणों से होते हैं, फॉग के कारण हेडिंग डालना फोटोग्राफिक फॉग। फर्स्ट उम्र फॉग, क्या उम्र फॉग, उम्र फॉग इसके अंतर्गत लिखना बहुत पुरानी फिल्म, मतलब फर्स्ट है एक्सपायरी, ठीक है, बहुत पुरानी डेट, एक्सपायरी डेट उसी को बोल रहे हैं उम्र फॉग, ठीक है, बहुत पुरानी फिल्म है, फिल्म की एक्सपायरी दिनांक देखकर पुरानी फिल्म का प्रयोग करना चाहिए, एक्सपायरी दिनांक देखकर पुरानी फिल्म पहले प्रयोग करें, ठीक है। अगर सन 2020 की फिल्में रखी हुई हैं और 22 की, ठीक है, 20 की और 22 की, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम 20 का कर लेंगे, है ना, क्योंकि 20 की अगर निकल जाएगी तो हम कर ही नहीं सकते, और अगर 22 की पहले निकल जाएंगे 20 का तो फिर यूज ही नहीं है, है ना, और अगर हम 20 का कर लेंगे तो बाद में जो है तो 22 आएगा ही, है ना, तो ये यूज हो जाएंगे, है ना, इसीलिए हमें सबसे पहले जो है एक्सपायरी देखकर पुरानी फिल्मों का यूज करना चाहिए, ठीक है। सेकंड में लिखना प्रकाश फॉग, रोशनी पढ़ने से फॉग, सिर्फ लाइट सेकंड पॉइंट में, ठीक है। डार्क रूम में उपयुक्त सेफ लाइट का प्रयोग हो गया, क्या हुआ, डार्क रूम में उपयुक्त सेफ लाइट का प्रयोग करने में प्रकाश का गलत रंग युक्त प्रकाश होना, रंग युक्त जैसे कि मैंने बताया था रेड लाइट ज्यादा बेटर है, रहती है ना रेड लाइट सेफ लाइट, ठीक है, वही वो बोल रहा है कि गलत रंग बहुत प्रकाश का प्रयोग करना, ठीक है, गलत रंग भी नहीं होना चाहिए, बहुत प्रकाश का भी नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए प्रकाश, 15 वाट या तो 15 वाट से कम, 15 वाट से कम ही हम लिखते हैं, है ना, 15 वाट तो कि हाँ बहुत जनरल में हो गया कि हाँ बहुत इमरजेंसी है, नहीं तो जनरली हम उसको क्या रखते हैं 15 वाट से कम रखते हैं, ठीक है। फिर उसी में नीचे लिखना प्रकाश का गलत, क्या प्रकाश का गलत रंग, इसी पॉइंट प्रकाश का गलत रंग या बहुत प्रकाश का प्रयोग, ज्यादा तेज प्रकाश का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसी में लिखना ये प्रकाश, ये सेफ लाइट का फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जो ये लिखा गया है कि डार्क रूम में उपयुक्त सेफ लाइट, ये फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट का, डार्क रूम का सेफ लाइट का, उसी में लिखना सेकंड पॉइंट, सेफ लाइट में फिल्म को लंबे समय तक रखना, सेफ लाइट में हम फिल्म को ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं रख सकते, है ना, मैंने बताया था डार्क रूम में पास बॉक्स होता है, हम फटाक से उसको एक्सपोज करके डेवलप करके हम पास बॉक्स में रखते हैं, एक्सपोज फिल्म में भी पास बॉक्स में रखते हैं, अनएक्सपोज फिल्म में भी पास बॉक्स में ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लाइट है सेफ लाइट से भी हमारी फिल्म खराब हो सकती है, बाहर के प्रकाश से भी हमारी फिल्म खराब हो सकती है, ठीक है, लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, सेफ लाइट में फिल्म को लंबे समय तक रखने से, ये सेफ लाइट के सेकंड पॉइंट में आएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि रेड लाइट रखना चाहिए सेफ लाइट में, है ना, गलत रंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रकाश का प्रयोग नहीं होना चाहिए, फिर उसी में सेकंड पॉइंट आएगा
सेफ लाइट में फिल्म को लंबे समय तक रखने से। फिर थर्ड पॉइंट लिखना, ये इसी का थर्ड पॉइंट है सेफ लाइट का, ठीक है। डेवलप करते समय बार बार, यहां मैनुअल प्रोसेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। डेवलप करते समय बार बार तथा लंबे समय तक फिल्म देखने से, ठीक है, क्योंकि हम हैंगर में फंसाएंगे तो हम उसको बार बार चेक करेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड में, दो सेकंड में, लगभग चार मिनट में होती है, लेकिन हम दो मिनट के बाद ही देखते, दो मिनट हो गया क्या हमारी फिल्म डेवलप, है ना, वो भी हमको देखना पड़ता है। फिल्म हमेशा हल्की सी उसको हिलाते रहना पड़ता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है जम जाता है, अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो सॉल्यूशन उसमें जम जाएगा, ठीक है। हो गया थर्ड पॉइंट, अब लिखने दिए, पहले लिखे, बोलिए ना इसको। डेवलप करते समय बार बार तथा लंबे समय तक फिल्म देखने से थर्ड हेडिंग डालना है रेडिएशन फॉर्म। रेडिएशन फॉर्म कैसे होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालू, डार्क रूम में रेडिएशन से, डार्क रूम में रेडिएशन से बचाव के अपर्याप्त साधन, इससे क्या समझ में आ रहा है। क्यों डार्क रूम में रेडिएशन से बचाव के अपर्याप्त साधन, मतलब कि हमारी फिल्म को रेडिएशन से बचाने के लिए साधन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक्सपोज करते हैं जब अपनी फिल्म, है ना, तो जो एक्सरे ट्यूब रहता है और फिल्म, एक्सपोज की हुई फिल्म हम उसी रूम में नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि वो इतनी हार्मफुल होती है कि चारों साइड फैलती है उसकी। फोकस तो बीच में होता है लेकिन वो चारों ओर फैलती है ना, जो जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। और अगर हमारी पहले से कोई फिल्म एक्सपोज करी हुई वहीं पर रखी है तो उस पर रेडिएशन फॉग अपने आप आ जाएगा, हमारी फिल्म क्लियर नहीं दिखेगी, उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन फॉग, ठीक है। वही वो बोलना चाह रहा है कि डार्क रूम में रेडिएशन से बचाव का अपर्याप्त साधन होना, ठीक है। अगर पर्याप्त साधन नहीं है, जगह नहीं है हमको रखने की, जगह नहीं मिलती उसको कहीं और शिफ्ट करने की, तो उसमें रेडिएशन फॉग पैदा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में लिखना, रियोएक्टिव पदार्थों से, कौन सा, रियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव, फिल्मों का एक्सपोजर, रेडियोएक्टिव एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिससे फिल्मों को एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से भी फिल्म को एक्सपोज करने से रेडिएशन फॉग पैदा हो जाता है, ठीक है। फोर्थ हेडिंग डालना, ऑक्सीडेंट फॉग, इसके अंदर लिखना, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। फिल्म इमल्सर पर ऑक्सीडेंट से समझ में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, हवा, ठीक है ना, वही फिल्म इमल्सर पर हवा का प्रभाव, हवा का प्रभाव तथा लंबे समय तक डेवलप के समय देखने से पड़ता है। फिल्म जो रहती है उस पर बार बार हवा भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, बार बार देखना भी नहीं चाहिए। लंबे समय तक अगर उसको हम देखते हैं या उसमें हवा लग जाती है तो ऑक्सीडेंट फॉग पैदा होता है, ठीक है। कुल मिलाकर कुछ भी पोजीशन में फॉग
जाते हैं, है ना। अगर हम उसको ज्यादातर सॉल्यूशन डेवलपमेंट में रखेंगे तो उसमें भी पार्ट पैदा हो जाएंगे, उसकी एक्सपायरी निकल आएगी, निकल जाएगी तो भी पार्ट पैदा हो जाएंगे, प्रकाश ज्यादा लग जाएगा तो भी पार्ट पैदा हो जाएंगे, रेडिएशन लग जाएगा तो भी, मतलब एक्सपोज करना तुरंत डेवलप करके सबसे बेटर जो तरीका है, एक्सपोज किए ठीक है, डेवलप किए और हमने फटाक से पास बॉक्स में रख लिया जब जरूरत हो, जब भी पास बॉक्स से निकाल या पेशेंट को देने के लिए, ठीक है, नहीं तो उसमें पाक पैदा हो जाएंगे। फिर उसके बाद 5.3 को रासायनिक पाक, रासायनिक पाक जैसे कि समझ में आ रहा है नाम से ही, जो हम डेवलपमेंट में सॉल्यूशन मिलाते हैं, रसायन मिलाते हैं, मिलाते हैं एजेंट कार्बोनेट, रासायनिक पाक में 5.3 को डेवलप पर फिल्म लंबे समय तक छोड़ने से, हम फिल्म को लंबे समय तक छोड़ भी नहीं सकते, है ना, इसीलिए हम उसको 2-3 मिनट बाद हम उसको चेक करते रहते हैं, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट लिखना डेवलप डेवलपर radiation।